हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोला। गर्मियों में बर्फ़ का गोला खाना सभी को बहुत ही पसंद होता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम एक कटोरी पानी डालेंगे और डेढ़ कटोरी चीनी डालेंगे और गैस को मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। अब हम इसमें एक नींबू की स्लाइस डालेंगे। इसे डालने से हमारी चाशनी जमेगी नहीं। थोड़ी देर में चीनी मेल्ट हो गई है, इसे चेक कर लेते हैं। तो इसका हमें कोई तार नहीं बनाना है, चिपचिपी ही चाशनी रखनी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और कढ़ाई को नीचे रखेंगे, चाशनी को ठंडी होने देंगे। तो ये हमारी चाशनी ठंडी हो गई है, तो इसमें से नींबू की स्लाइस निकाल देंगे और इसे हम तीन कटोरी में डिवाइड करेंगे। अब हम तीनों कटोरियों में अलग अलग कलर और फ्लेवर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं येल्लो कलर और पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूसरे में हम रेड कलर और रोज एसेंस डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब हम तीसरी कटोरी में सिर्फ ग्रीन कलर ही डालेंगे और इसे मिला लेंगे। तो ये हमारे तीनों कलर की सिरप बनकर के तैयार है। मैंने यहाँ पर तीन कलर के सिरप बनाए हैं, आप अपने हिसाब से एक या दो कलर के सिरप भी बना सकते हो। अब हम बर्फ़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे और बर्फ़ को क्रश कर देंगे। और मिक्सी को हमें रुक रुक करके चलानी है। तो यहाँ पर मैंने क्रश कर लिया है। अब हम एक कांच की ग्लास लेंगे और क्रश किया हुआ बर्फ़ हम इसमें डाल देंगे। बर्फ़ को हम अच्छे से दबा देंगे। अब हम एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और इसमें डाल देंगे और बाकी का बचा हुआ बर्फ़ भी हम ग्लास में अच्छे से डाल करके दबा देंगे। अब हम स्टिक को पकड़ करके बर्फ़ को ग्लास में से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा बर्फ़ का गोला बन करके तैयार है। अब हम इसमें तीनों सिरप डालेंगे। तो ये हमारा बर्फ़ का गोला बन करके तैयार है। गोला बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।